जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना चार नंबर पक्के। देखो क्या अल्फा बीटा दे रखे हैं हमें रूट्स इस इक्वेशन के, हमें फाइंड करना है बीटा की वैल्यू क्या होगी इन चार ऑप्शन से। हम क्या करें, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 4x² + 2x = 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है अल्फा बीटा रूट्स हैं, रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा 2/4 बटे होते हैं माइनस बी बाय तो -2/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 1 है इधर अगर नेगेटिव हो जाएगा तो -1/4, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -1/2, अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4। हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। देखो अगर अल्फा इसका एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा कैसे, दैट मींस अल्फा उसमें पुट कर देंगे x की जगह, ये बनेगा 2α × 2α + 1 - 1 = 0, मल्टीप्लाई करेंगे 4α² + 2α - 1 = 0। यहां से 4α² + 2α की वैल्यू अगर 1, अगर यहां मैं 2 से डिवाइड करते हो बनेगा 2α² + α = 1/2। अब देखो 1/2 की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहां पुट कर देते हैं बनेगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये बनेगा माइनस अल्फा माइनस बीटा, और ये था 2α² + α। ये अल्फा नेगेटिव अल्फा इधर अगर पॉजिटिव हो जाए तो हो जाएगा 2α, तो ये तो यहां से गायब हो गया, और माइनस बीटा की वैल्यू आई है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या करना है, वैल्यू तो आ जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो 2α यहां से कॉमन आ जाएगा और नेगेटिव साइन भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी बीटा की, दैट मींस हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट।